Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant, and a CEO coach. कुछ दिन पहले मैंने Facebook पे एक वीडियो डाला था चवन्नी लाल के विषय में. आप लोगों ने बड़ा लाइक किया. आप में से कई लोग मुझे फॉलो करते हैं. सोचा उसके ऊपर एक YouTube वीडियो क्यों ना बना दिया जाए. ये चवन्नी लाल कौन होता है? कुछ लोग होते हैं मेरे आसपास, कहीं देखे हैं, कुछ रिश्तेदार भी देखे हैं, तो जिंदगी भर चवन्नी बचाने में लगे रहते हैं. कई लोगों को देखा चवन्नी बचाने में लगे रहते हैं. ये सुपर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं चवन्नी बचाने के. PhD कर लेते हैं चवन्नी बचाने के ऊपर. डॉक्टरेट है के पास चवन्नी बचाने में. क्यों जानते हैं क्यों चवन्नी बचाने में लगे हैं? अच्छा, उससे पहले जरा मैं बता दूं, इनके जीवन में खुशखबरी है. इनकी खुशखबरी क्या है? इनकी चवन्नी बच जाती है. इनकी चवन्नी बच जा, चवन्नी बचाने के बाद सफल हो जाता है चवन्नी बचाने में. मैंने वो आपने सुना है पेनी वाइज पाउंड फुलिश. एक्चुअली क्या है, ये चवन्नी बचाने में इसलिए लगा है क्योंकि इसके जीवन में एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट नहीं है. इसके जीवन में एक पावरफुल ऑब्सेशन नहीं है. वो पागलपन, आपने सुना ना आता माजी सटक ली, अजय देवगन क्या बोला पिक्चर के अंदर, आता माजी सटक. जब तक ये ऑब्सेशन स्टेटमेंट नहीं होगा ना, आदमी चवन्नी जैसी छोटी छोटी उलझनों में फंसा रहेगा. और ये जो चवन्नी जैसी छोटी उलझन में फंसा है ना, ये बड़ा लक्ष्य कहां से हासिल करेगा? अब देख लो, या तो चवन्नियां इकट्ठी कर लो जिंदगी में, या एक महान लक्ष्य को अचीव कर लो. लाखों करोड़ों चवन्नियां अपने आप जीवन में आती रहेंगी. एक्चुअली थोड़े दिन पहले मैंने रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे RCI पे एक वीडियो डाला था. वो कसम खा लेता है आदमी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का. कंटिन्यूस 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 सर्वदा सर्वत्र सर्ववस्थासु लगातार अपने आप को इंप्रूव करता है. अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा. वन मोर टाइम, कम ऑन. आज का गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? आज का एक ही फॉर्मूला है, अपने कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा. कल के रिकॉर्ड को आज तोड़. कल जितना अच्छा किया था, जो भी कल तक मैंने बेस्ट किया है ना, आज उससे आगे जाना है मुझे. ये जो पागलपन होता है ना, आज उससे आगे जाना है मुझे. कल जितना भी अच्छा किया, आज उससे आगे जाऊंगा. कल के रिकॉर्ड को आज तोड़ दूंगा. एक्चुअली ना, दो प्रकार के लोग होते हैं. एक वो जिनके जीवन में बड़ा गोल है, और एक वो जिनका पूरा जीवन गोल गोल है. देख लो, आपका जीवन गोल गोल है या बड़ा गोल है? देखो, मैं ना रिकॉर्ड ब्रेक करने की बात कर रहा हूं. रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू से ब्रेक होता है, ब्रेक इवन से नहीं होता. चवन्नी बचाने वाले की जिंदगी में ब्रेक इवन आ जाएगा. क्या जाएगा? ब्रेक इवन. ये चवन्नी बचा जाएगा. जितना खर्चा उतना काम. क्या कहता है रघुपति राघव राजा राम? इसके जीवन में जितना खर्चा उतना दाम, उतना काम, जीरो काम, बराबर करता रहेगा. चवन्नी बचा जाएगा. इसका ज्यादा स्ट्रगल, इसलिए मेरी छुट्टी कैसे कट गई, हाफ डे कैसे काट लिया मेरा. अरे आज कैसे आपने काट लिया हमारा हाफ डे? ये इसी पे बेचारा स्ट्रगल करता, जिंदगी भर दूध पानी का हिसाब किताब जोड़ता रहता है. पर यहां पे ये ब्रेक इवन पे आ जाएगा जिंदगी में. खर्चा और पैसा और कमाई ये बराबर कर जा, इधर ब्रेक थ्रू हो जाएगा. ये ब्रेक थ्रू कैसे होगा? क्योंकि एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट है. रिकॉर्ड ब्रेक इवन से नहीं टूटता है, रिकॉर्ड ब्रेक थ्रू में टूटेगा. अपना ना एक डेली बेसलाइन स्टैंडर्ड बना दो. डेली बेसलाइन स्टैंडर्ड बना के उसका बार रेस करते चलो. डेली बेसलाइन स्टैंडर्ड एंड देन रेस द बार. कम ऑन, एक बेसलाइन स्टैंडर्ड बनाओ, देन रेस द बार. कम ऑन, बेसलाइन स्टैंडर्ड उसको बना दो, फिर रेस द बार. कम ऑन, उसको बेसलाइन स्टैंडर्ड बना दो, फिर रेस द बार. एडवर्ड डमिंग, जिनको फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट भी बोला जाता है, World War II के बाद जिन देशों का बुरा हाल हुआ था, इन्होंने कसम खा ली थी मैं उनकी मदद करूंगा. ये क्वालिटी मूवमेंट लेकर क्या है? इनको फादर ऑफ जापानीज मिरेकल भी बोला गया, इनको फादर ऑफ क्वालिटी मूवमेंट भी बोला गया. इनफैक्ट जापान में सबसे बड़ा कायाकल्प इन्होंने जाकर के किया. 1950 के बाद जो जापान का सबसे सर्वोच्च सम्मान एक कॉर्पोरेट को दिया जा सकता है, एडवर्ड डेमिंग नेशनल प्राइज. डेमिंग नेशनल प्राइज वो एडवर्ड डेमिंग के नाम पे ही दिया गया, जो दुनिया भर में जापान का नाम क्वालिटी, रिलायबिलिटी और ट्रस्ट के लिए बढ़ गया. उसके पीछे एडवर्ड डेमिंग का बहुत बड़ा हाथ था. एडवर्ड डेमिंग के कारण जापानीज गाड़ियां दुनिया भर में छाने लगी. फोर्ड मोटर जो 1983 के अंदर कंप्लीट लॉसेस में जा रही थी, वहीं उनके चेयरमैन ने सोचा इस एडवर्ड डेमिंग की जरूरत हमारे को बहुत है. उन्होंने एडवर्ड डेमिंग को बुलाया और उनको कहा कि आप हमारी कंपनी को थोड़ा संभालिए, चलाइए, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं. डेमिंग ने उनसे पूछा, क्या आपको लगता है कि कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? फोर्ड मोटर के तत्कालीन चेयरमैन ने उनको कहा, बड़ा सरल है भाई, मशीन वही है, लोग वही है, मैन पावर है उसी फैक्ट्री, सारी फैक्ट्री में से ज्यादा प्रोड्यूस कर दो. इसी रिसोर्सेज में से इतने ही खर्चे में ज्यादा प्रोड्यूस कर सको, और हो सके तो खर्चा भी घटा दो. अगर प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया सेम खर्चे में तो भी फायदा है, और प्रोड्यूस ज्यादा कर दिया, खर्चा सेम नहीं उसको भी कम कर दिया, डबल फायदा हो गया. एडवर्ड डेमिंग को बोले, यही करते हैं हम और इसी से कंपनी को फायदा हो सकता है. तभी एडवर्ड डेमिंग ने उनको सिखाया, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग आवर वॉल्यूम एंड कटिंग आवर कॉस्ट, चेंज करते हैं, लेट अस थिंक हाउ कैन वी इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ व्हाट वी आर डूइंग and do it in such a way that the quality would not cost more in long term.
डेमिंग का एक ही मानना है, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस. कम ऑन, क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस. अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो. कल की क्वालिटी का रिकॉर्ड आज तोड़ दो. कम ऑन, मोर टाइम. कल की क्वालिटी का रिकॉर्ड आज तोड़ दो. हो सके तो अपनी क्वालिटी को, जो भी आप कर रहे हैं, ऑब्सेस हो जाइए उसको लेकर के. उसको ऐसा बना दीजिए जो दुनिया में और कोई ना सोच सके. सुपर स्पेशलिस्ट बनना है. प्रोड्यूस मोर इन लेस टाइम की जगह प्रोड्यूस क्वालिटी इन लेस टाइम. सोचिए एक बार, थोड़ा अपने उसी काम के करने के तरीके को एकदम नई तरीके से सोचना पड़ेगा. प्रोड्यूस मोर, ज्यादा काम करने की जगह बढ़िया काम कैसे करें सेम टाइम के अंदर. चाहे आप एम्प्लॉई हैं या एम्प्लॉयर हैं, इंडिविजुअल हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी विल ऑलवेज कॉस्ट लेस. क्वालिटी ऑलवेज कॉस्ट लेस. सोचो, यू गॉट टू थिंक कैसे आप अपनी क्वालिटी पैरामीटर स्टैंडर्ड को बेसलाइन स्टैंडर्ड से ऊपर लेके जाओगे. हाउ डू यू रेज द बार. ये बेसलाइन स्टैंडर्ड है और ऊपर लेके जाओ. कीप रेजिंग द बार ऑफ योर बेसलाइन स्टैंडर्ड. अगर आप छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दें, आपके संस्कार में आ जाएगा, आपका पैटर्न खराब हो जाएगा. होता क्या है, पहली बार अगर हमने आपको एक्सपेक्ट किया कि आप 100% परफेक्ट काम करके दे, आपने 90% प्रोड्यूस किया, आप कहते हैं यार 90% किया है, 10% तो छूटा है. कई लोगों को हमने देखा है, उनका क्योंकि कोई मिनिमम बेसलाइन स्टैंडर्ड नहीं होता तो वो रोज नीचे गिरते चले जाते हैं. ये जो चलता है एटीट्यूड है ना, चलता है एटीट्यूड, इसके कारण दिक्कत क्या, अगली बार वो 90 भी नहीं करेगा, 90 का 90% करके लाएगा, मतलब 81%. अब उसका बेसलाइन 81 पर रुकना चाहिए था, पर क्योंकि उसका एटीट्यूड क्या चलता है ना, कोई बात नहीं, अगली बार 81% करेगा, लगभग 65% नीचे गिरा और नीचे गिरा. इस तरह से उसका 65% भी बेसलाइन टिकेगा नहीं, वो 65% करेगा, एकदम गिरते ही 42% पे आ जाएगा. और अगली बार, अब क्योंकि उसका आदत खराब हो गया है, वो जो चलता है एटीट्यूड, कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कहा तो है नहीं, उसको वहीं रोक देना चाहिए था, अब नहीं चलेगा. लेकिन ये चलता है एटीट्यूड. मैंने क्या बोला, इस वीडियो का गोल्डन स्टेटमेंट है, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा. वो खराब होने का रिकॉर्ड टूटना शुरू हो जाता है. चलता है 42 का 42 होता है 18%, 18 का 18% होता है 3%, और 3 का 3% होता है 0.09%. 1% भी नहीं रह जाएगा क्वालिटी, गिरेगा आदमी तो गिरता चला जाएगा. रेज द लेवल, कम ऑन. बेसलाइन क्वालिटी से नीचे नहीं आना है. कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा. ईमानदारी से बोलो, आज मेरे पीछे बोलो, कम ऑन, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा. देखिए, आप कोई भी सर्विस आज ऑफर कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट होता है, रॉ मटेरियल पूरा वेस्ट हो जाता है. एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट की एक कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल आपका वेस्ट हो जाता है. और कई बार वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट अगर मार्केट में पहुंच जाता है तो प्रोडक्ट रिप्लेस करना पड़ता है, तो रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट की कॉस्ट और ज्यादा है. देखिए, प्रोडक्ट को रिप्लेस करने की कॉस्ट में एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट तो है ही, उसके बाद मैन पावर कॉस्ट है, सर्विस टीम की कॉस्ट है, शिपिंग की कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट, सप्लाई चेन की तरह तरह की कॉस्ट ऐड हो जाती है. प्रोडक्ट रिप्लेस करने पे कॉस्ट और बढ़ती है, इसीलिए क्वालिटी ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर. लेकिन सबसे खतरनाक क्या है, अ कॉस्ट ऑफ अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर. एक कस्टमर डिससैटिस्फाई हो गया ना, वो जाके आपके बारे में क्या क्या कर सकता है, और किस किस तरीके से. हमने कई बार देखा गाड़ियों पे लोग बैनर लगा के सड़क पे घूमते हैं. कॉस्ट ऑफ अ डिससैटिस्फाइड कस्टमर ह्यूज हो सकता है. अपने रिकॉर्ड तोड़ो, रोज की रोज आगे बढ़ना है सततम. स्वयं कृष्ण भी, जो पहले मोटिवेशनल स्पीकर है पृथ्वी के इतिहास में, उन्होंने भी 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में कंफर्म किया है, सततम कीर्तयन्तो माहाम यतन्तश्च दृढ़वृता नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. कृष्ण क्या कह रहे हैं, सततम का अर्थ सदैव, हमेशा. सततम कीर्तयन्तो यतन्तश्च दृढ़वृता, यतन करना है, कैसे करना है, यतन्तश्च दृढ़वृता. आपको दृढ़ता का व्रत लेना होगा, एक व्रत धारण करना होगा दृढ़ता का सततम. पानी इतना सॉफ्ट होता है, कि अगर पानी किसी पत्थर के ऊपर गिर जाए तो पानी फैल के बिखर जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है. लेकिन वही पानी अगर बूंद 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 करके उस पर गिरता रहे, वही पानी उस शिला में छेद कर देगी, उसको टुकड़ों में अलग कर देगी. इसको कहते हैं सततम. कंसिस्टेंसी इज द सीड गिविंग फादर टू योर क्वालिटी. अगर कंसिस्टेंसी होगा, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, आज रोज रोज पिछले दिन का इंच बाय इंच
1% better. Come on, 1% better. रोज अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है. कृष्ण कह रहे हैं यत्न करो दृढ़ता से. व्रत ले लो. व्रत, व्रत का मतलब है कसम खा ली, एक व्रत धारण कर लिया. नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त रहते हैं. एब्जॉर्ब्ड, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन बड़ा गहरा शब्द है यार, बड़ा गंभीर शब्द है एब्जॉर्प्शन. नित्य युक्ता उपासते. देखिए मेरे प्यारे देशवासियों, जमाना बहुत तेज आगे निकल रहा है. अगर आपने कैच नहीं किया ना तो ये अमेरिकन और चाइनीज आपको खा जाएंगे, कहीं के रहेंगे नहीं. अपनी क्वालिटी को रोज इंप्रूव करो. मैं खुद भी कोशिश करता हूं अपने जीवन के अंदर, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा. कंटिन्यूसली इतना इंप्रूव कर रहा हूं, वही कारण है मेरे रिपीट और रेफरेंस के बिजनेस का. एक्चुअली विनम्रतापूर्वक अपने विषय में भी शेयर कर देता हूं, लगभग 1500 बड़े ब्रांड, जिस भी बड़े ब्रांड का आप नाम जानते हैं देश के अंदर, वो लगभग सारे बड़े ब्रांड आज मेरे क्लाइंट्स हैं. उसका कारण क्या है, मैं रोज अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं. रोज एवरीडे सततम सततम. भगवद गीता पढ़िए, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आकर के आप हमारे साथ में टूल्स ले सकते हैं. एक छोटा टेम्पलेट आपको आज भी दे देता हूं. अपना मॉर्निंग आप कमिटमेंट शीट बनाइए, शाम को अपनी अचीवमेंट शीट बनाइए और लिखिए मॉर्निंग में कमिटमेंट में कि आज आप किन तीन चीजों को इंप्रूव करने वाले, ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 क्या आपकी कमिटमेंट है. उसके बाद रात को फिर जाकर के रिव्यू जरूर करिएगा. अचीवमेंट शीट में लिख लीजिए अपना, उसमें कि आपने कमिट किया था ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कि मैं 9 out of 10 अचीव कर जाऊंगा. अचीव कितना किया, ओनली 4 out of 10 या 5 out of 10 या 6 out of 10. वहां से आ जाएगा आपका इंप्रूवमेंट साइकिल. एक्शनेबल बनाइए अपने, व्हाट वेंट वेल व्हाट वेंट रॉन्ग. रोज 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 अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करिए. अच्छा लगता है ये मेरे YouTube वीडियो टू वे इंटरेक्शन प्लेटफॉर्म बन चुके हैं आपके लिए. मैंने भी अपने जीवन के अंदर एक गोल स्टेटमेंट बनाया हुआ है, एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट बनाया हुआ है, जिसके मैं सततम नित्य युक्त होकर के दृढ़ता का व्रत लेकर रोज उसको इंप्रूव करने का प्रयास कर रहा हूं. आज मैं उसी टू वे कम्युनिकेशन में आपसे पूछता हूं, जरा नीचे लिखिए कि आप क्या करके अपने जीवन में नए रिकॉर्ड बनाएंगे, आप क्या करके एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर देंगे. आपका सततम किस विषय पे है, आप अपना सततम लिखिए. आपका सततम क्या, क्या चीज आप रोज करेंगे जो कंसिस्टेंसी से पानी भी पहाड़ को चीर सकती है. मैं क्या करके अपना नया रिकॉर्ड स्थापित करूंगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, नीचे मुझे शेयर करिए आपके क्या व्यूज हैं. हो सके किसी और की मदद करने के लिए शेयर भी कर दीजिएगा. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.